गाइज वेलकम टू माई व्लॉग चक्र नीतू परिहार व्लॉग। तो अभी जो ये व्लॉग बना रही हूँ बहुत ही छोटा सा व्लॉग होने वाला है और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और ये व्लॉग किस चीज़ पे होने वाला है। बज रहे हैं शाम के 3 और मुझे लगी है भूख तो मैंने कुछ बनाया है अपने के लिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बेसन, ठीक है, और यह है मेरा इडली मेकर जिसमें मैं इडली नहीं बना रही हूँ और ये मैंने कर दिया है बंद। सामान गिरा हुआ है, हम ठीक कर लेते हैं। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। यह है बेसन के जैसे चीले बनाने की बजाय मैंने क्या करा है, बेसन के चीले या बेसन का डोसा जो भी कुछ कह लिए वो बनाने की बजाय मैंने बना दी है बेसन की इडलियाँ। हाँ तो मैं दिखाती हूँ कि आपको मैंने बेसन की इडली कैसे बनाई है। तो ये देखिए मैंने बेसन की इडली कैसे बनाई है। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एक्चुअली एक मैंने चेक करी थी कि बेसन पका है कि नहीं पका है, उसके बाद मैंने इसे दोबारा बनने के लिए छोड़ दिया था। सही, बहुत ही सुंदर सी हमारी ये बेसन की इडलियाँ बन के तैयार हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं और आप बेसन का चीला खा खा के बोर हो गए हैं और आपको कुछ और खाना है बेसन का, ठीक है, या ठीक है, तो आप ये बना सकते हैं। इसमें बेसिकली मैंने क्या क्या मिलाया है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, सॉरी फिर से नहीं, पहली बार ही बता रही हूँ। इसमें है 2 कप बेसन मैंने लिया है, मैंने लिया है 2 कप बेसन और उस 2 कप बेसन में मैंने लिया है आधी शिमला मिर्च, 2 छोटे छोटे प्याज, ठीक है, और 2 छोटे छोटे प्याज के अलावा मैंने लिए थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक ऑब्वियसली स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च और दही। दही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मैंने लिया है। दही भी मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच, ठीक है, लिया, और उसके बाद पानी में जैसे चीला बनाते हैं बेसन का उस तरीके से आप इसको डिज़ोल्व कर लीजिए और बस इस तरह से आप इसे इडली मेकर में डाल लीजिए और ये बनके तैयार हो जाती हैं आपकी बहुत ही यम्मी टेस्टी सी इडलीज़, बेसन की इडलीज़। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप इसे थोड़ी देर रहने भी दे सकते हैं, मेरे हाथ से कैसे निकालूँ, चलो आई ट्राई। ये रहा, इस तरीके से मैंने ये निकाला है, देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है इस इडली मेकर से, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे इडली मेकर में आप इडली बनाते हैं वैसे ही हल्का सा ऑयल तो आपको इसके पीछे लगाना पड़ेगा। और देखिए कितनी स्पंजी इडली, ये बेसन की इडली बनी है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर अगर आपके पास और कोई वेजिटेबल्स है जैसे गाजर है वो भी आप मिला सकते हैं। इसमें मैंने शिमला मिर्च मिलाया, बताया मैंने शिमला मिर्च मिलाया, प्याज मिलाया और हाँ लहसुन, लहसुन को मैंने इसमें कोर लिया, ठीक है, यानी एकदम उसे मसल के इसमें डाला है। लहसुन से तो टेस्ट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस तरह का कुछ ये दिख रहा है, बहुत यम्मी सा, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पंजी है और अच्छे से पक चुकी है। तो इसे मैं किस चीज़ के साथ खाने वाली हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने बनाई है ये, आई थिंक धनिए की, हाँ धनिया और धनिया पुदीने की चटनी, तो मैं इसके साथ इसे खाने वाली हूँ। आप इसके साथ चाय भी ले सकते हैं या चाय नहीं लेना है तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, इन्जॉय करिए। तो ये हो गई मेरी प्लेट रेडी, ये रही मेरी बेसन की इडली, एंड इट इज सो यमी, आप ये ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा और जो लोग डाइट भी कर रहे हैं वो लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत यमी है, बहुत यमी। अब पक चुका है बेसन, बेसन कच्चा नहीं है। गाइस तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को डॉक्टर नीतू परिहार व्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच।